आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश के निर्माणाधीन और प्रस्तावित टॉप 5 टनल्स के बारे में। टनल्स पर बनने वाली वीडियो सीरीज का यह पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमारे देश में बन रहे 10 टनल्स के बारे में ऑलरेडी जानकारी दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के बाद उनको भी जरूर देखें, जिनके अंतर्गत मैंने अटल टनल, जोजिला टनल, जेड मोड टनल, बनिहाल काजीगुंड टनल इत्यादि को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इस पार्ट 3 वीडियो में कुछ ऐसे निर्माणाधीन और प्रस्तावित टनल्स के बारे में जानेंगे जिनके बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी है। इन सभी टनल्स का निर्माण BRO अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है, अतः यह सभी टनल्स स्ट्रेटेजिकली हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर बात करते हैं छतरगला टनल के बारे में, जिसका निर्माण जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है। यह एक 2-लेन हाईवे टनल होगा जिसकी लंबाई लगभग 6.8 किलोमीटर होगी और इसका निर्माण जम्मू कश्मीर के बसोहली और बानी के बीच किया जा रहा है, जिसके कारण कठुआ डिस्ट्रिक्ट और डोडा डिस्ट्रिक्ट के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो पाएगी। यह एक ऑल वेदर हाईवे टनल होगा और वर्तमान में कठुआ से डोडा के बीच की दूरी को पूरा करने में लगभग 6 घंटे का समय लग जाता है और सर्दियों के दिनों में यह ट्रेवल टाइम बढ़कर 8 घंटे भी हो जाता है। अतः कठुआ के नजदीक स्थित टाउन लखनपुर और डोडा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए नए हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 170 किलोमीटर है। यह एक 2-लेन हाईवे है और इसको बसोहली भदरवा डोडा हाईवे के नाम से जाना जाता है और इसी हाईवे के अंतर्गत छतरगला पास के नजदीक छतरगला टनल का निर्माण किया जा रहा है। अतः इस ऑल वेदर टनल के निर्माण के बाद कठुआ और डोडा के बीच की दूरी को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में बेहतर यातायात सुविधा सुनिश्चित हो पाएगी और पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही इस टनल का निर्माण लाइन ऑफ कंट्रोल के पास किया जा रहा है, अतः कश्मीर घाटी में भारतीय सेना के मूवमेंट के लिए भी यह टनल काफी उपयोगी सिद्ध होगा और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और अलगाववाद को रोकने में यह टनल अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। आप इस मानचित्र से समझ सकते हैं वर्तमान में कठुआ और डोडा के बीच इस रूट से ट्रेवल किया जाता है, जो कि थोड़ा लंबा रूट हो जाता है, परंतु बसोहली बानी भदरवा डोडा हाईवे के निर्माण के बाद इस नए और छोटे रूट से लखनपुर और डोडा के बीच यातायात संभव हो पाएगा। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छतरगला टनल के अंदर सीसीटीवी कैमरास, स्ट्रीट लाइट्स, टेलीफोन बूथ, डिजिटल साइनेज, इमरजेंसी एग्जिट, वेंटिलेशन सिस्टम, फायर फाइटिंग मैकेनिज्म इत्यादि कई प्रकार की आधुनिक सुविधाएं इंस्टॉल की जाएगी। मई 2017 में छतरगला टनल के निर्माण को मंजूरी मिली और इसका निर्माण कार्य 2020-21 में शुरू किया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसके निर्माण कार्य में और यह 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस टनल परियोजना को रिवोल्यूशनरी गेम चेंजर टनल कहा गया है। नंबर 4 पे बात करते हैं पीर की गली टनल के बारे में, जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है और वर्तमान में इसका DPR तैयार किया जा रहा है। यह एक 2-लेन हाईवे टनल होगा जिसका निर्माण मुगल रोड पर किया जाएगा। आपको बता दें कि मुगल रोड जम्मू कश्मीर के शोपिया और पुंछ को कनेक्ट करता है, जो कि केवल गर्मियों के मौसम में ही यातायात के लिए खुला रहता है। इसी मुगल हाईवे पर पीर की गली, जो कि समुद्र तल से करीब 3,485 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, सर्दियों के दिनों में प्रायः इस स्थान पर भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण कि मुगल रोड यातायात के लिए 4 से 5 महीनों तक बंद हो जाता है। अतः शोपिया और पुंछ के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए पीर की गली टनल के निर्माण को प्रस्तावित किया गया। मुगल रोड की लंबाई लगभग 84 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत बनने वाले पीर की गली टनल की लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है। टनल की वास्तविक लंबाई DPR तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। पीर की गली टनल के निर्माण के बाद पुंछ और कश्मीर घाटी के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो पाएगी, जिससे कि पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और यह टनल सामरिक तौर पर और हमारे देश की सीमा सुरक्षा के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि पुंछ शहर से लाइन ऑफ कंट्रोल की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है और आए दिनों पाकिस्तान के द्वारा इस क्षेत्र में सीज फायर होता रहता है। अतः ऑल वेदर पीर की गली टनल के निर्माण के बाद सीज फायर और घुसपैठ जैसी गतिविधियों पर भी अंकुश लग पाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि इस टनल के निर्माण कार्य शुरू होने के 5 वर्ष समय अवधि में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि इसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा और इसके निर्माण में अनुमानित 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन सभी आंकड़े DPR तैयार होने के बाद ही पता लग पाएगा। फिलहाल इस परियोजना का प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है। नंबर 3 पे बात करते हैं वाइलू ला टनल के बारे में, जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित ऑल वेदर 2-लेन हाईवे टनल है, जिसका निर्माण अनंतनाग और किश्तवाड़ हाईवे अर्थात नेशनल हाईवे 244 पर किया जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 10.2 किलोमीटर होगी और इसको वाइलू सिंहपोरा टनल के नाम से भी जाना जाता है। अनंतनाग कोकरनाग किश्तवाड़ हाईवे, जिसकी लंबाई लगभग 140 किलोमीटर है, सर्दियों के दिनों में वैलू और सिंगपोरा के बीच होने वाली भारी बर्फबारी के कारण 4 से 5 महीनों तक बंद रहता है या फिर यातायात सुचारू करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस हाईवे के सिंथाल टॉप, जो कि वैलू और सिंगपोरा के बीच में स्थित है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3,800 मीटर है। इस स्थान पर काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, अतः इसी क्षेत्र में वैलू और सिंगपोरा के बीच वैलू ला टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अनंतनाग और किश्तवाड़ के बीच सालों भर कनेक्टिविटी स्थापित करना होगा। अतः इस टनल के निर्माण के बाद यातायात में सुधार के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा और सामरिक तौर पर भी हमारे देश को इस टनल परियोजना से काफी लाभ होगा। वर्तमान में इस टनल परियोजना का DPR तैयार किया जा चुका है और इसके DPR को कैबिनेट द्वारा अप्रूवल मिलना बाकी है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और निर्माण कार्य शुरू होने के लगभग 6 वर्षों के अंदर इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं शिंकुला टनल के बारे में, जिसका निर्माण हिमाचल प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा। यह एक 2-लेन ऑल वेदर हाईवे टनल होगा, जो कि वर्तमान में प्रस्तावित है और इसका निर्माण लेह और मनाली के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में रोहतांग पास के नजदीक लेह मनाली हाईवे पर अटल टनल का निर्माण किया गया है, जो कि एक 2-लेन ऑल वेदर हाईवे टनल है। और अटल टनल के निर्माण का उद्देश्य लेह और मनाली के बीच में ऑल वेदर कनेक्टिविटी स्थापित करना है। लेकिन लेह मनाली हाईवे पर रोहतांग पास के अलावा भी बहुत से ऐसे दर्रे या पास है, जो कि समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है और सर्दियों के दिनों में उन क्षेत्रों में काफी भारी बर्फबारी होती है। अतः अटल टनल बनने के बावजूद भी लेह और मनाली के बीच सालों भर कनेक्टिविटी स्थापित नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब समस्या 3 या 4 स्थानों पर हो तब उनका समाधान एक स्थान पर नहीं किया जा सकता। अतः नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उन दर्रों के नजदीक भी टनल निर्माण की योजना प्रस्तावित की गई, जिन स्थानों पर भारी बर्फबारी होती है, जिनमें से शिंकुला पास एक प्रमुख दर्रा है। लेह मनाली हाईवे को नेशनल हाईवे नंबर 3 के नाम से जाना जाता है, परंतु वर्तमान में लेह और मनाली के बीच दूसरे हाईवे के विकल्प के तौर पर और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए निम्मू पदम दारचा 2-लेन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इस हाईवे को जंस्कार हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। जंस्कार हाईवे को ऑल वेदर हाईवे के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 297 किलोमीटर है और इसी जंस्कार हाईवे पर शिंकुला टनल का निर्माण किया जाएगा और इसको शिंगोला पास के नजदीक बनाया जाएगा, जो कि समुद्र तल से लगभग 5091 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। निर्माण के बाद यह टनल विश्व का सबसे लंबा हाई ऑल्टीट्यूड हाईवे टनल्स में से एक होगा। इसकी लंबाई लगभग 13.5 किलोमीटर होगी। निम्मू पदम दारचा हाईवे 2023 तक तैयार हो जाएगा। मनाली से लेह की दूरी वाया दारचा, पद्दम, निम्मू वर्तमान के लेह मनाली नेशनल हाईवे नंबर 3 से लगभग 31 किलोमीटर और कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, लेह और मनाली के बीच में ऑल वेदर कनेक्टिविटी स्थापित हो पाएगी, जिससे कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पर्यटन के क्षेत्रों को काफी बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, जंस्कार हाईवे हमारे देश के लिए सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। शिंकुला टनल और जंस्कार हाईवे के निर्माण के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और चाइना बॉर्डर के नजदीक मिलिट्री ट्रूप्स, टैंक्स, इक्विपमेंट्स के मूवमेंट काफी आसानी से और तेज गति से हो पाएगी।
वर्तमान में शिंकुला टनल का DPR नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस टनल के निर्माण में खर्च होने वाली राशि और इसकी डेडलाइन की जानकारी DPR तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। नंबर वन पर बात करते हैं लाचुंग ला टनल के बारे में, जिसका निर्माण लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा। यह टनल परियोजना भी एक प्रस्तावित 2-लेन ऑल वेदर हाईवे टनल है, जिसका निर्माण लेह मनाली हाईवे अर्थात नेशनल हाईवे नंबर 3 पर किया जाएगा। इस टनल का निर्माण लाचुंगला दर्रा के नजदीक किया जाएगा, जो कि समुद्र तल से लगभग 5,065 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 14.7 किलोमीटर होगी। इस प्रकार लाचुंगला टनल हमारे देश के सबसे लंबे प्रस्तावित हाईवे टनल्स में से एक होगा। आपको बता दें कि हमारे देश का सबसे लंबा प्रस्तावित हाईवे टनल ब्रह्मपुत्र अंडर वाटर हाईवे टनल है, जिसका निर्माण असम राज्य में किया जाएगा और इस टनल की चर्चा मैंने पार्ट 2 वीडियो में की हुई है। लाचुंगला टनल के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य लेह और मनाली के बीच सालों भर बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करना है, जिसके फलस्वरूप पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ोतरी और मिलिट्री मूवमेंट में भी आसानी होगी। वर्तमान में इस टनल परियोजना का DPR नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसके निर्माण में अनुमानित 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन फाइनल फिगर और डेडलाइन DPR तैयार होने के बाद ही पता लग पाएगा। इसके अलावा भी लेह मनाली हाईवे पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए टांगलांगला बारालाचाला इत्यादि दर्रों के नजदीक भी टनल के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है, जिनकी चर्चा अगले पार्ट्स में की जाएगी। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को क्लिक करके टनल का पार्ट 2 अवश्य देखें। सभी पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।